नमस्कार दोस्तों, मैं राज नरवरे आपके अपने YouTube चैनल आरके कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे थे, नंबर्स देख रहे थे, तो हमने संख्याओं के बारे में, जो भी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, ये सभी हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग योग देखेंगे कि संख्याओं का योगफल हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम संख्याओं का योग जल्दी से जल्दी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक फॉर्मूला है कि लगातार, अगर आपको लगातार किन्हीं संख्याओं का योग अगर आपको निकालना है, अगर कोई संख्या लगातार दी है और उनका योग आपको निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई टू। क्या होगा? एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई टू। एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे कि अगर आपको किसी संख्या, उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये संख्या का योगफल आपको निकालना है 50। कहाँ तक निकालना है? 50 तक। अगर आपको इस संख्या का 50 तक योगफल निकालना है, जोड़ना है, तो आप एक एक करके संख्या तो नहीं जोड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई टू करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? एक्स क्या होगा यहाँ पे, एक्स आपका ये 50 होगा। लास्ट वाली जो संख्या अगर दी है वो आपकी क्या कहलाएगी? एक्स कहलाएगी। तो एक्स कितना हो गया? 50। एक्स कितना था? 50 प्लस 1। इस वाले फॉर्मूले में आपको रखना है 50 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। कितना हो गया? 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। कितना हो गया? 50 इंटू 51 डिवाइड बाई 2। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1275। कितना आ जाएगा? 1275। हम अभी आपको सॉल्व करके नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये बहुत इजी है सॉल्व करना। 2 से आप 50 को डिवाइड करेंगे 25 पर, और 25 को 51 से इंटू करेंगे, कितना आएगा? 1275। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं कि कौन से फार्मूले को आपको याद करना है, x+x+1/x इंटू x+1/2। ये किसके लिए? जब संख्याएं लगातार दी हो, बीच में कोई भी संख्या मिसिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब 1 से 50 तक, या 1 से अगर 100 तक बोला जाए, 1 से 200 तक बोला जाए, 1 से 1000 तक बोला जाए, कितनी भी संख्या अगर आपको दी है लेकिन लगातार है, तो फार्मूला क्या होगा? x इंटू x+1/2। ये सेकेंड बात, अगर आपको बोला जाए किन्हीं लगातार संख्याओं के वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है, कैसा करना है कि अगर संख्याएं लगातार संख्याएं दी हुई है, कैसी दी हुई है? लगातार है लेकिन लगातार x तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। किसका योग ज्ञात करना है? वर्गों का योग आपको निकालना है। तो आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? इसके लिए आपको फॉर्मूला होगा x इंटू x प्लस वन और 2x+1 डिवाइड बाई कितना? 6। डिवाइड बाई कितना होगा? 6। x x+1, 2x+1 डिवाइड बाय 6। अगर संख्याएं लगातार, x तक की लगातार संख्याओं के वर्गों का योग आपको अगर ज्ञात करना है, तक की, x तक की मतलब क्या होगा, जिसे आप समझो, मतलब 1 का स्क्वायर, एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इन्फिनिटी कहाँ तक आप ले सकते हैं इसे? मान लो हमने कर दिया कि 15 का स्क्वायर। यहाँ तक की संख्याओं का आपका वर्गों का योग आपको ज्ञात करना है। इसके लिए फॉर्मूला आपके पास है x x+1 2x+1 डिवाइड बाय 6। x क्या होगा यहाँ पे? x जो है आपका, ये x 15 होगा, लास्ट वाली संख्या हमेशा x होगी। अब फॉर्मूले में हम इसे रख देते हैं 15 15 प्लस 1, 2 इंटू 15 प्लस 1 डिवाइड बाई कितना? 6। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 15 इंटू ये कितना हो जाएगा? 16। ये 15 इंटू 2 30 प्लस 1
इंटू 31 डिवाइड बाई कितना 6। अब इस क्वेश्चन को इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 1240। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 1240, और इसके सॉल्व करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला, अब इन्हें वर्ग करते जोड़ते बहुत टाइम लगता, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई 6, और इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको बोला जाए कि एक से तक की लगातार संख्याओं के घनों का योग, अगर पावर क्यू हो, थर्ड घनों का योग, किसका योग करना है, घनों का योग करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, बस इसी तरीके से आपको ये पहले वर्ग वाला था, ये क्यूब वाला है, 10 क्यूब तक की संख्याओं का अगर आपको योग करने की बोला जाए, यहाँ 10 क्यूब तक से आ सकता है, 20, 100 क्यूब, कुछ भी आ जाए, फॉर्मूला एक ही लगाना है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन, क्या करना है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और बस इसी फॉर्मूले में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक्स जो है हमारा 10 के बराबर होगा, कितना हो जाएगा 10 के बराबर, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 10, 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, हाफ होल स्क्वायर, 10 इंटू 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, यहां से ये डिवाइड करेंगे 5 बार, ये कितना आ जाएगा 55, और 55 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और 55 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3025 के बराबर, कितना हो जाएगा 3025, और यही आपका आंसर आ जाएगा। कितने जल्दी आ जाएगा, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन का डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना भी हो, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर आपको, यहां तक तो हमने देख लिया कि लगातार एन संख्या या एक्स संख्याएं अगर दी हुई हो, या वर्गों का योग अगर बोला हो, या क्यूब का योग अगर बोला हो, तो हम यहाँ तक कर सकते हैं, लेकिन बोला कि अगर एन तक की सम संख्याओं का योग अगर आपसे बोला गया, एन तक की मतलब बोला गया कि यहाँ से यहाँ तक की सम संख्या है, सिर्फ सम संख्याओं का योग आपको निकालना हो, तो इनका योग कितना होगा। एग्जाम्पल के लिए सम संख्याओं का योग, कहाँ से कहाँ तक की, एन तक की सम संख्या अगर हम बोले, एन तक की, इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एन तक की सम संख्या, क्या बोला है, एन तक की सम संख्या, या हम बोले कि 2 से हमने शुरू कर दिया, ये एन तक की का मतलब है कि 50 तक की बोल दिया, 60 तक की बोल दिया, 10 तक की बोल दिया, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये 2 से शुरू करें, 2 प्लस 4 प्लस 16, यहां तक की संख्याओं का योग आपको निकालना है, इन सम संख्याओं का, मतलब एन तक की बोला, मतलब एन क्या है यहाँ पे 20 है, इसका मतलब है कि अगर लास्ट में सम संख्या दी हुई है, लास्ट वाली सम संख्या अगर आपको दी हुई है, तो उसका योग निकालने के लिए आपको कौन से फॉर्मूले का यूज करना है, इसको करना है एक्स इंटू एक्स प्लस वन, ये आपका फॉर्मूला होगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन, लेकिन यहाँ पे एक्स जो होगा, या इसे आप एन इंटू एन प्लस वन भी कह सकते हैं, आपको जैसे याद रखना है, यहाँ एक्स की अगर बात करें तो ये जो एक्स होगा ये एक्स एन बाई 2 के बराबर होगा, इसे हम लोग यहाँ पर एन मानेंगे, क्या मानेंगे, एन मानेंगे, या ठीक है आप कंफ्यूज नहीं हुई है, या आप इसे एन मानो, ठीक है, ये क्या होगा एन होगा, और एन बाई 2, तो यहाँ जो एक्स होगा ये इसका क्या होगा आधा होगा। अब फॉर्मूले में हमें रख देना है, फॉर्मूले में हमें पुट करना है, देखिए ये एक्स इस एन बाई 2 का आधा होगा, मतलब इसका आधा, तो यहाँ एक्स कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 10, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10, एक्स का मान आपको यहाँ रखना है 10 इंटू 10 प्लस 1,
3 × 10 + 1 आपको करना है, कितना हो जाएगा? 10 × 11 110 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। n तक की सम संख्याओं का योग बोला है, कहां तक की? n तक की सम संख्याओं का योग। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार n सम संख्याओं का योग, दो चीजें कंफ्यूज नहीं होना है, n तक की और लगातार n सम संख्याओं, मतलब पूछ दिया आपको कि लगातार 10 सम संख्याओं का योग निकालना है, कितनी सम संख्याओं का? लगातार 10 सम संख्याओं का योग निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? n n+1 के, फॉर्मूला क्या होगा? n n+1 के। यहाँ पर अधिकतर कंफ्यूजन होता है, यहाँ हम लोग कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो हमने क्या बोला, 2 से 20 तक, अगर 2 से आप 20 तक काउंट करोगे तो कितनी सम संख्याएं होगी? 10 सम संख्याएं, मतलब नंबर्स कितने कितने नंबर होंगे? 10 नंबर होंगे। 2 से अगर 20 तक काउंट करोगे तो कितने नंबर होंगे? 10 नंबर होंगे। यही 10 नंबर हमने यहाँ पे निकाले हैं, यही 10 नंबर हमने यहाँ पर निकाले हैं। लेकिन अगर यहाँ हम डायरेक्ट बोल दें लगातार n सम संख्याओं का, मतलब लगातार कितनी 10 सम संख्याओं का योग हमें निकालना है, कितनी? लगातार 10 सम संख्याओं का योग। यहाँ लगातार 20 दिया है कि ऐसा कुछ नहीं बोला, हमें सिर्फ 10 गिनना है। अब 2 से हमने 10 संख्याएं गिनी तो कहाँ तक आती है? वो भी 20 तक ही आती है। और उसका फॉर्मूला डायरेक्ट n हमें दिया हुआ है 10, मतलब n कितना दिया हुआ है डायरेक्ट? 10 दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे 10 × 10+1 और इसी तरीके से सॉल्व करना है और आपका 110 आंसर आ जाएगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, n तक की और लगातार n सम संख्याओं का योग में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सम संख्याओं का योग, किस तरीके से हम निकालेंगे n तक की सम संख्या और लगातार n सम संख्याओं का योग। इसी ही विषम संख्याओं की अगर बात करें तो लगातार विषम संख्याओं का योग अगर बोला जाए, जैसे लगातार n विषम संख्याओं का योग, क्या बोला गया कि लगातार n विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है। अब देखो 10 सम संख्या हमने निकाल ली, ऐसे ही हम 10 या 5 विषम संख्याओं का योग हमें निकालना है। अब मान लिया हमने कि 10 विषम संख्याओं का योग हम निकालते हैं लगातार, कितनी? 10 विषम संख्याओं का। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे दोस्त, n विषम संख्याओं का अगर निकालना है तो n स्क्वायर होगा, तो 10 विषम संख्याओं का अगर निकालना हो तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर होगा, और 10 विषम संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर आंसर कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर बोला n तक की सम संख्याओं का योग, क्या बोला गया? n तक की सम नहीं, विषम पढ़ रहे हैं हम लोग, n तक की विषम संख्याओं का योग, ये अलग है, ये अलग है, ये लगातार n सम संख्याओं का योग है, ये n तक की विषम संख्याओं का योग है। और इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला है, n तक के लिए n+1/2, n+1 का 1/2 का होल स्क्वायर, क्या होगा? n+1/2 का होल स्क्वायर। इसे अगर देखेंगे कि n तक की सम संख्याओं का योग ये होगा। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया कि 15, 1, 3, 1, 3, 5, 7, 15 तक की विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है, 15 तक की विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है, कितने तक? 15। तो n यहाँ पर हम क्या मानेंगे? 15 को हम क्या मानेंगे? n मान लेंगे, फॉर्मूले में रखना है 15+1/2 कितना हो जाएगा? 16/2 का होल स्क्वायर। जब इसे आप डिवाइड करोगे
ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 8 बार 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64, और आपका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, 64, और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है कि कैसे हम किसी संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। बस अधिकतर कंफ्यूज होता है लगातार एन संख्या यानी लगातार संख्या या एन तक की संख्याओं के फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार उन्हें देखना है और बार बार समझना है। फिर एक लास्ट में हम बताते हैं कि किसी ऐसी श्रेणी जिसकी दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, कोई ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर जैसे 7, 10, 13, 16, ये ऐसी संख्या अगर दी हुई है, ठीक है, ये ऐसी संख्याएं अगर दी हुई है जिनके बीच का अंतर समान हो, तो ऐसी संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। अब कहीं से भी उठा के दे सकते हैं, ये 7 से दी है, अभी 53, 56, 59 अगर ऐसा दिया होता तो उसे ऐड करने में बहुत टाइम लगता, इसे हम तो ऐड कर लेंगे नॉर्मली, लेकिन अगर कुछ और भी दिया हो तो उन्हें ऐड करने में टाइम लगता। लेकिन आपको यहाँ पर एक ही चीज देखनी है कि इनके बीच का अंतर समान है या नहीं है। अगर बीच का अंतर समान है तो आप इन संख्याओं का, इस फॉर्मूले से मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इससे आप इस संख्याओं का योग आप ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला है कि पद ओ की संख्या, क्या लिखना है, पदों की संख्या इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद और डिवाइड बाई क्या है, पहला पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। ये इस फॉर्मूले से आपको इसे सॉल्व करना है। पदों की संख्या आपको काउंट करनी है, कहां से कहां तक अगर बोला है तो पदों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5, 19 तक बोला है, कितने पद है यहाँ पर, 5 पद है, कितने पद है, 5। पदों की संख्या कितनी होगी, 5। पहला पद कितना दिया हुआ है, 7। पहला पद कितना दिया हुआ है, 7। लास्ट वाला पद कितना दिया हुआ है, 19 डिवाइड बाई 2। बस इसे ही आपको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 5 इंटू 19 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 26 डिवाइड बाई 2, ये डिवाइड करेंगे कितनी बार, 13 बार, और 13 इंटू 5 आपको इंटू करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद ये नॉर्मल ये पहला टाइप है, इस टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये पहला टाइप है हमारे नंबर सिस्टम का, हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ये हमने बता दिया। हम अगले नेक्स्ट वीडियो में, नंबर सिस्टम आपका खत्म हो जाएगा, इन हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो हम उसमें भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे जल्दी से हम किसी संख्या की इकाई का अंक, हम कितने फास्ट हम उस संख्या को पहचान सकते हैं, ये सभी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स का सारा सिलेबस आपके लिए कंप्लीट करवाया जाएगा, हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिक के साथ आपको समझाए जाएंगे। इसके साथ ही हम लोग अभी हिंदी की सीरीज व्यापम के एग्जाम के लिए हिंदी की सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप व्यापम के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम, चाहे जेल प्रैटी या किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर जाकर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।